वेलकम टू शुभम टेक। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप डिजी लॉकर की मदद से अपनी LIC की पॉलिसी है वो कैसे फेच कर सकते हैं और अपने मोबाइल में डिजिटली रूप से सेव कर सकते हैं, जो कि आप आगे फ्यूचर के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। ये पॉलिसी बॉन्ड वैसे ही होता है जैसे कि आपको डाक के द्वारा मिलता है जहाँ पॉलिसी कराते हैं। तो पॉलिसी बॉन्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पर आना है और अपनी ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि इस पर ID पासवर्ड कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने दी हुई है, तो पहले आप वो देखिए अकाउंट कैसे बनाते हैं डिजी लॉकर पर, फिर इस वीडियो को आप देखिएगा। अकाउंट बनाने और लॉगिन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है ऐप में, तो यहाँ अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, एजुकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले सेक्शन में सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपको क्लिक करना है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और पॉलिसी नंबर डालना है और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो ये मैं करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग होगी, उसके बाद इशू डॉक्यूमेंट से ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। देन आप चेक करेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिख के आ जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे देन PDF फाइल आपको ओपन करनी होगी, तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, मेरे अभी ड्राइव PDF डला हुआ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पॉलिसी बॉन्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए जो मेरी पॉलिसी है उसका पॉलिसी बॉन्ड ये आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप पॉलिसी बॉन्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कैसे पॉलिसी बॉन्ड डाउनलोड करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, साथ के साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे क्या कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी ही वीडियो आपके लिए और लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।